हरियाणा में बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा जारी है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल की जन आशीर्वाद यात्रा पांचवें दिन पानीपत से शुरू हुई। यात्रा को लेकर लोगों में जोश दिखाई दे रहा है और जन सैलाब भी देखने को मिल रहा है। लोगों ने फूल बरसाकर मुख्यमंत्री का स्वागत किया। यात्रा में हर समुदाय के लोग शामिल हुए। पानीपत से समालखां होते हुए यात्रा इसराना के गाँव मांडी पहुँची। यहाँ भी मुख्यमंत्री मनोहर लाल का जोरदार स्वागत हुआ। लोगों ने फूल बरसाकर मुख्यमंत्री का स्वागत किया। वहीं मुख्यमंत्री ने आभार व्यक्त करते हुए फूल बरसाकर जनता का आशीर्वाद लिया। उन्होंने कहा कि वो एक बार फिर जनता का आशीर्वाद लेने आए हैं ताकि हरियाणा के लोगों की फिर से ईमानदारी और पारदर्शी तरीके से सेवा कर सके। भाइयों बहनों, 2014 से 2019 तक वाली जो सरकार 5 साल की, हमने बड़ी ईमानदारी से, बहुत ही पारदर्शिता से, बिना किसी भ्रष्टाचार के चलाई है। खूब विकास के काम किए हैं, खूब लोगों का जनजीवन इसको हमने सरल बनाया है, सुगम बनाया है, हर प्रकार की खुशहाली लोगों में आए इसकी हमने कोशिश की है। पानीपत से समालखां इसराना होते हुए जन आशीर्वाद यात्रा गोहाना पहुंची। जन आशीर्वाद यात्रा में शामिल होने के लिए भारी संख्या में जनसमूह उमड़ पड़ा। लोगों ने फूल बरसाकर मुख्यमंत्री का स्वागत किया। मुख्यमंत्री ने भी जनता का आभार व्यक्त किया और उनका आशीर्वाद लिया। R9 TV के लिए पानीपत से प्रवीण भारद्वाज और गोहाना से सुनील जिंदल की रिपोर्ट।